या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 665, 28 अक्टूबर 2004, माय वाइज इन हेडक्वार्टर जमात खाना, ह्यूस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स, या अली मदद। मुझे बहुत खुशी हुई आप जमात की मुलाकात से, बहुत खुश हुआ और बहुत दुआएं देता। जिंदा रहो। इस्माइली मकसद जो है समझना आसान नहीं, लेकिन मौला ने इस मजहब के अंदर बेहिसाब बरकतें और बख्शिशें दी हैं। आज मैं आपके सामने कॉमन के नाम बोलता है जी, गत्रे सरोवर मां बना दिया सतगुरु नूर, नूर रखा लेकिन सत
सतगुरु लगा दिया तो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो सतगुरु को ढूंढते थे, ये ज्ञान उनका है। मैं एक चीज का खुलासा करना चाहता हूं, बहुत से हमारे पढ़े लिखे लोग, मेरा मतलब यहां पढ़े लिखे का वो स्कॉलर्स हैं कि जिन्होंने मजहब की स्टडी नहीं की लेकिन उन्होंने डिग्रियां ली हैं इस्लामिक स्टडी से, उनमें से कई ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि हमारे जो पीरों ने गिनान कथे, हकीकत में पीरों ने गिनान नहीं बनाए, वो लोग कहते हैं किसी दूसरे ने गिनान बनाए हैं और पीर का नाम लगा दिया, यह गलत है। इसलिए गलत है कि अगर इमाम के मुंह से एक चीज निकली तो वो जमीन आसमान में जितनी कॉस्मस है ना उसमें तब्दीली हो जाती है। इमाम का जो हुक्म है वो तमाम कायनात के ऊपर चलता है, इमाम नूर है और उसके मुंह से जो चीज निकलती है वो नेचर को भी चेंज कर देती है। तो गिनान जो थे वो फिर और ऐसे कुछ बोलते हैं कि पीरों ने गिनान रखे बतलाने के लिए, कन्वर्शन के लिए, ये भी गलत है। गिनान पढ़े भी नहीं और हम उसके ऊपर अपने ओपिनियन देने लग गए, पीरों ने गिनान बतलाने के लिए नहीं लिखे, नहीं लिखे। उन्होंने मौजदा करके उनको अपनी तरफ खींचा, पीरों ने मौजदे करके हिंदुओं को अपनी तरफ खींचा, ये वो जमाना था दीनदारों। आज से तकरीबन 1000 साल पहले, 950 साल पहले, 1069 में पीर सतगुरु नूर हिंदुस्तान आए और उसके 30 बरस पहले महमूद गजनवी ने, अफगानिस्तान के बादशाह ने हिंदुस्तान के ऊपर 17 हमले किए थे 30 साल से पहले से। 17 दफा महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे हमले किए, उनके मंदिर तोड़े, उनको मारा, लूटा और 2-2 लाख आदमी औरत मर्दों को गुलाम बना के अफगानिस्तान ले गया। ऐसा उसने 17 दफा किया और 1030 में मर गया, यानी लगभग 40 साल के बाद पीर सतगुरु नूर आए। महमूद गजनवी से पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान बादशाह थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, उनकी बोधियां काटी, यानी सिर के ऊपर जो ब्राह्मण लंबी चोट की रखते हैं उनको मारा, जुल्म किया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो कहां उठो। अब ऐसी हालत में गुरपीर सतगुरु नूर उतर गए, वो अरब को मुसलमान को देखते थे तो भाग जाते थे, मुसलमानों को नफरत करते थे, इस्लाम के साथ उनको नफरत हो गई है कि ये मजहब ऐसा है कि मार धार करने और बर्बादी करने का ये मजहब हमें नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये बेटा पीर सतगुरु नूर उनको कहे आओ नमाज पढ़ो कलमा पढ़ो तो वो या इसको मार डाले या भाग जाए। इमाम और पीर जो है ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि पीर और इमाम रसूलुल्लाह का नूर है। इमाम जो है हकीकत में अली का नूर है और जो पीर है वो मोहम्मद का नूर है। ये शापीर मुसलमानों को खबर नहीं है क्योंकि जो हमें पीरों ने कहा है
शरीयत मिलता नहीं। अगर इमाम हमको ये कहते हैं कि पीरों ने मेहनत करके दुख उठा के तुम्हें ये मतलब बताया है तो इमाम सच्चा है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजादार का फरमान है कि पीर शमस ने, पीर नूरदीन ने, पीर सदरुद्दीन ने, पीर हसन कबीरदीन ने मारे खाए, अपमान सहन किया, दुख उठाए, मुसीबतें उठाई और तुमको श्री इस्लाम शाह का घर बताया। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है। ऐसे बहुत से फरमान है गिनानों के लिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि गिनान है वो कुरान की तफसीर है। गिनान कुरान की तफसीर, तफसीर कहते हैं इंटरप्रिटेशन को। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दत्ता फरमाते हैं कि गिनान पढ़ो और गिनान सुनो, उससे तुम्हारे दिल को राहत होगी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के कई ऐसे फरमान हैं और कभी कभी खुद मौला अपने फरमानों में गिनान कोट करते हैं। मुझे याद है एक दफा मिशनरियों की मेहमानी थी और जब मिशनरियों की मेहमानी होती थी तो प्राइवेट होती थी, किसी दूसरे को आने नहीं देते थे और हाजिर इमाम आके दो दो घंटे बैठते थे। एक एक मिशनरी को उसके हालात पूछते थे, जमात की हालत पूछते थे। एक दफा ऐसी ही महफिल थी तो कुछ ऐसी बात निकली तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह मुख मुबारक से फरमाते हैं, देखो पीर शमस ने लिखा है दिन जैसे रस धारले, वर्ष जैसे रस धारले, दिन पानी नहीं रह ले। ऐसे बहुत से वाक्यात है कि इमाम गिनान कोट करते थे जब छोटे थे। तीन एक बरस की उम्र हुई तब तक कराची में ठहरे। मौला कराची में पैदा हुए थे। मामा टेकरी अभी भी मौजूद है और इमाम सुल्तान मोहम्मद शेख के वक्त के जो खिलौने वगैरह और सी चीजें थी वो मामा टेकरी के खास रूम में अलग रखी हुई है। तीन बरस मौला पे ठहरे माँ के साथ और फिर बंबई आए। जब बंबई आए तो तीन बरस के सुल्तान मोहम्मद शाह दादा ने हाथ पकड़ा है। दादा कौन? हसन अली शाह माँ बाप। हाथ पकड़ते उंगली पकड़ के काली मोहल्ला जिसको आज कलीमाबाद कहते हैं ये जमात खाने में आए। हसन अली शाह माँ बाप पोते को उंगली दे के साथ चला के चले आते हैं अली शाह पीर के चौमे में पीछे आते हैं। जब ये आके कुर्सियां दो थी तो दो कुर्सियों को ऐसा ज्वाइन किया, वो पता है हत्था जो होता है, ये दो हत्थे साथ मिले थोड़ी जगह हुई तो सुल्तान मोहम्मद शाह को उठा के इसके ऊपर खड़ा किया, कुर्सियों के इस हत्थे के ऊपर खड़ा किया। है जमात मौलाना हसन अली शाह फरमाते हैं ये सुल्तान है। जमात को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ये सुल्तान है। बहुत लंबा वारा चलेगा इसका और हुआ इतना लंबा इमामत का वारा और किसी इमाम का नहीं हुआ। ये तुम्हें बहुत लाज लगाएगा और लगाया। तो सुल्तान मोहम्मद शाह ऐसे और भी फरमान किए जो मैंने सुना था। जब इधर आए तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को दूध पिलाने वाली जो बाई रखी गई थी माता सलामत को दावन कम थी, पेट नहीं भरता। तो एक औरत को कराची में रखा, रतन बाई ठीनी थी, मोटी थी लेकिन नूर से पापा चिरा था। रतन बाई ने मौला को दूध पिलाया तो रतन भाई जब पहले मौला को दूध पिलाने से पहले नहा के दूध पिलाए और गिनान बोले। उस छोटी उम्र में
बेबी हुड के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम सुनते थे और सो जाते थे। ये आदत जारी रही। मैंने रतन भाई को बहुत दफा याद किया है। रतन भाई का जिक्र आया, इमाम को दूध भी लाया उसने। 96 ईयर्स की एज थी जब ही गुजर गए। और जहां आज दरखाना गार्डन जमाखाना है, इस जगह बैठा जमाखाना था, पत्थर का पीला जमाखाना था, पीला रंग था उसका। इस जमाखाने में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह, शुरुआत की बात है, कुर्सी इधर है, राइट साइड पे मर्द लोग हैं, ये साइड पे औरतें हैं, और रतन भाई यहां सामने बैठे थे। मौला जब कुर्सी पे आके बैठे, ऐसा देखा तो रतन भाई पे नजर पड़ी, उठ के उसके पास गए। अभी फरमान नहीं सुना है, जमात को जो आशीष भी अभी तक नहीं दी, लेकिन दूध पिलाने वाले के पास गए। उसने देखा मौला आते हैं, बदन वजनदार था, उम्र बड़ी थी, उठना मुश्किल था, लेकिन बैठी थी। तो उसने देखा कि मौला आते हैं तो दो हाथ जमीन पे रख के उठने की कोशिश करते थे। इमाम ने उसको कंधे से पकड़ के ऐसा ऊंचा किया, नीचे झुक के कहते हैं, रतन भाई हमने तुम्हारा दूध पिया, अब हम बूढ़ा हो गया, तुम अभी भी जवान। रतन भाई को बोली, कहने का मेरा मकसद यह था कि जो को दूध पिलाती थी गिनन बोलती थी, अब आदत हो गई। बम्बई आए तो रतन भाई उधर नहीं गए, यहां रतन भाई नहीं आए। अभी मौला रात को वो झूले के अंदर सोए, गिनन बोलो, मालूम नहीं कि कौन था, लेकिन उसने गिनान बोलना शुरू किया और मौला सो गए। गिनान लोरी थे, दुलाबी थी कि सो जाते। कभी कभी कमरिया हाजी आने मिलने के लिए, हाजी का कमरिया अच्छी हो जाता, गिनान बोलो आप सोते हैं, गिनान बोलते हैं। सारी जिंदगी गिनान सुनते रहे, और अभी जो तख्त के ऊपर बैठा है, अभी जो तख्त के ऊपर बैठा है, इसको गिनान का बहुत शौक है। अगले मुंह में हाजिर इमाम का जो रहने का बंगला है, कॉम्प्लेक्स तो आगे है, लेकिन एंटर हो मेन गेट से तो उधर एक बोर्ड लगा हुआ है, जमात। जमात तो नहीं होगा, लेकिन जमात का मतलब हाजिर इमाम का घर। ये एरो जो है हजर इमाम के घर की तरफ दिखाता है, जो साहब का रहने का बंगला है, जमात खाना है, वो हकीकत में हजर इमाम का घर है। नीचे रूम में, नीचे जो साहब की ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस, एंटर होता है, यहाँ साइड में टेबल पे टेप रिकॉर्डर पड़ा है, ऐसा दबा के बैठ जाता है, और यहाँ गिनान शुरू होते हैं टेप रिकॉर्डर में। माँ बाप अपना काम करता है, श्लोक श्लोक के ऊपर गिनान सुनता रहता है। गिनान बोलो नित नूरे वाले, पर ये जो गिनान है, ये हकीकत में वो 10 पारे हैं कुरान शरीफ के जो बुक में नहीं है। ये बात हमारे पीर की खाली नहीं, पीर ने कहा है कि 40 पारे थे, तो बाकी 30 तो मिलते हैं, 10 किधर गए? ये कहते इस घर में है, इस वाले मजहब में है,
ढूंढते ढूंढते पढ़ते पढ़ते मैं हैरान हो गया एक दिन, सुन्नी आलिम शिबली नोमानी जो पाकिस्तानी है, शायद उन्होंने इसका नाम सुना होगा, 90 साल हुए पहले गुजर गया। उसने रसूलुल्लाह की लाइफ उर्दू में लिखी है, सीरतुल नबी, 6 वॉल्यूम है उसकी, और मैं ये कहता हूं कि पढ़ो उसको। सुनी था, सुनी नजर से लिखी है और कुछ खिलाफ चीजें भी लिखी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें लिख गया है कि जो इनकार नहीं कर सका। वो ये लिखता है कि रसूलुल्लाह के ऊपर जो वही उतरी वो सारी की सारी कुरान में नहीं है। तो हमारे पीर जो ये कहते हैं कि 40 पारे थे कुरान के, तो ये देखो इससे कितनी मिलती चीज है, वो 10 पारे कुरान में नहीं। और ये सुन्नी आलिम ये भी कहता है कि जितनी वही उतरी वो सारी की सारी कुरान में नहीं, तो बाकी किधर है? ये गिनान वो 10 पारे। गिनानों के अंदर इतना इल्म है कि इंसान की अक्ल गुम हो जाए। मैं आपको जो कह रहा हूं, अपनी इस 85 साल की उम्र के अंदर मैंने सारी जिंदगी इस घर की खिदमत में निकाली, पढ़ता रहा। 11 साल की उम्र से मैंने गिनान पढ़ने शुरू किए। सिर्फ गिनान पढ़ने के लिए ही नहीं, लेकिन समझने के लिए। पहली दफा 14 साल मुझे लगे सारा शास्त्र पढ़ने के लिए, रिपीट किया, रिवाइज किया, तो दूसरे मुझे और 10 साल लगे सारा शास्त्र पढ़ा। हैरान हो गया। इसके अंदर वो चीजें हैं, वो इल्म है, जमीन और आसमान का इल्म है, किस तरह से खुदा ताला ने अपनी क्रिएशन शुरू की, इसका इल्म किनानों में है। कितना वक्त लगा इस क्रिएशन को हस्ती में आने के लिए, इसका जवाब किनानों में है। सबसे पहले क्या पैदा किया, इसका इल्म किनानों में है। क्या क्या खुदा ताला ने करामतें की, ये वो सारे इल्म खुदा ताला के इस गिनानों के अंदर मौजूद है। अल्लाह कहता है कि ऐसा कोई मुल्क, ऐसी कोई नेशन बाकी नहीं है कि जहां मेरे नबी नहीं गए। अगर खुदा ये कहता है कि हर नेशन और हर कौम के अंदर मेरे नबी गए हैं, तो हिंदुस्तान भी एक देश था ना, अभी भी है, हिंदुस्तान में भी कौम थी ना, तो खुदा ताला ने अपने नबी रसूल वहां भी तो भेजे ना। अगर बोलो कि नहीं उधर नहीं भेजे, तो खुदा ताला कहता है कि मैंने भेजे हैं। हमको कहीं भी ये इल्म नहीं मिलता कि ये जो 29 नबियों के नाम हमको कुरान शरीफ में मिलते हैं, और जबूर, तौरात, अंजील, कुरान सबको मिला के देखो तो 96 नबियों के नाम मिलते हैं। रसूल और नबी में फर्क ये है कि रसूल 1000, 2000, 500, 700 जितने भी वर्ष के बाद आता है, तो रसूल जो है वो शरीयत को चेंज करता है, नई चीजें दाखिल करता है, उसको रसूल कहते हैं। लेकिन रसूल नबी भी है, नबी को वही उतरती है और वो लोगों को सुना के उसके ऊपर अमल कराते हैं। रसूल शरीयत को चेंज करके नबी शरीयत देता है। 1,24,000 नबी आए, उसमें 115 रसूल थे, 114 वो भी नबी तो थे, 114 रसूल थे। तो हिंदुस्तान, चाइना, कोई ऐसा, अल्लाह कहता कोई मुल्क, कोई कौम बाकी नहीं रही कि जहां मैंने अपने रसूल नहीं भेजे। मगर ये इल्म हमें गिनानों में मिलता है। उन रसूलों का क्या नाम था, वो रसूल कौन कौन थे? अरे आप हैरान हो गए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत इमाम तक की सदर दीन ने जो वंशावली लिखी है,
उसको हम विश्नपुरी कहते थे पुराने जमाने में। गणपत की दुआ पढ़ते थे, 22 पार्ट थे किनारे गणपत की दुआ के, उसमें सारी विश्नपुरी पढ़ी जाती थी। आदम से लेके मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने तक हम ये गठपाट पढ़ते रहे। सितोत्र पात्र 48 इमाम, ये पात्र कौन थे? इमाम का नूर था। हम जो समझते हैं कि मुर्तजाली से इमामत चली, लेकिन कुरान पढ़ो तो आपको पता लगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने इमाम बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल थे, और उनके एक वक्त उनके जमाने में 4 रसूल और 4 नबी और थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर और भी नबी थे, मगर रसूल हजरत इब्राहिम थे। और अल्लाह ने कहा कि मैं तेरा टेस्ट लेना चाहता हूं। अच्छा, प्यारे से प्यारी चीज जो तेरी है उसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर। दिल धड़कने लगा। सबसे ज्यादा प्यार इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ था। क्या खुदा चाहता है मैं अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करूं? और उस वक्त ये एक ही बेटा था, हजरत इसहाक तो बाद में 9 साल के बाद पैदा हुआ। जरा आज का इंसानियत का तकाजा भी है। दूसरे दिन फिर वही नाजल हुए, प्यारे से प्यारी चीज कुर्बान कर। जब ये तीसरा दिन हुआ तो घबरा के उठे, इस्माइल बेटा चलो जरा बाहर चले। बाहर ले गए कि मुझे अल्लाह ने कहा मैं तेरी कुर्बानी कर रहा हूं, अब अचान मैं बिल्कुल तैयार हूं, और आप जरूर ये काम कीजिए। छुरी लेके आए, कपड़ा लेके आए, अब्बा की आंखों पर खुद कपड़ा बांधा, छुरी हाथ में लेके गोद में सो के कहने लगे आप मुझे कुर्बान करो। और उन्होंने छुरी चला के फेंक दी दरिया नदी के अंदर। आप खोल के देखा तो गोद में तो दुम्बा पड़ा था, बकरा ज़िबह किया हुआ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम बाजू में खड़े थे। एक रिपोर्ट से 6 बरस की उम्र थी, एक रिपोर्ट से 9 बरस की उम्र थी। अल्लाह ने कहा है इब्राहिम हम खुश हुए, तुम इम्तिहान में पास हो गए, अब मैं तुम्हें इंसानों का, जमात का, कौम का, मुल्क का नहीं, नोए इंसानों का मैं तुम्हें इमाम बनाता हूं। इन जाहिलों का लिन्ना से इमाम, बेशक मैं तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम बनाता हूं। और उसकी यह बोला मेरी औलाद भी, हाँ हाँ, लेकिन जो झूठे होंगे उनके लिए मेरा कोई कौल, मेरा इकरार नहीं, और ये मेरा वादा परमानेंट है, हमेशा के लिए है, परमानेंट। अब ये जो कॉवेनेंट है अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ किया, परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये है कि कभी भी ये खत्म नहीं हो, टूटे नहीं। अल्लाह का प्रॉमिस है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से इमामत जाहिर हुई। इमामत का नूर तो ऐसा नहीं पहले था। तो हजरत मुर्तजा अली अलैहिस्सलाम जो है वो हमारे अव्वल इमाम नहीं है, मगर इस जमाने के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम उस वक्त कंप्लीट हुआ, इस वक्त इस टुकड़े के अंदर मुर्तजा अली पहले इमाम इसलिए माने जाते हैं कि उसके बाद इमामत के साथ नबूवत नहीं होगी, नबूवत खत्म हो गई। रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, इसलिए हम मुर्तजा अली को अपना पहला इमाम मानते हैं, लेकिन हकीकत में इमामत तो चली आती थी। ये इल्म किनानों में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले इमाम थे, उनका नाम क्या था और क्या होने वाला है? जमीन एक दिन खत्म हो जाएगी, किस तरह खत्म होगी? जिनानों में है। साइंटिस्टों को अभी तक पता नहीं लगा। आज थोड़ा ही अरसा हुआ कि साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बिग बैंग की थ्योरी अभी तक उसके ऊपर
ये मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं बन सके, लेकिन हमको पीर सदर जी ने 600 वर्ष पहले बिग बैंग की बात सुनाई कि ये दुनिया किस तरह से शुरू हुई। ज्ञानों की जो लैंग्वेज है, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, जिसकी समझ में आती है उसको खुशी पैदा होती है ज्ञान की लैंग्वेज पढ़ने से। ज्ञानों की लैंग्वेज है वो एक बुके है, इंग्लिश में बुके क्या कहते हैं, जुदी जुदी किस्म के फूलों का एक तुरा बनाते हैं, उसको बुके कहते हैं। 24 भाषाओं को पीरों ने इस्तेमाल किया है, हमारे ज्ञानों में 24 जबाने हैं, और ये 24 जबाने यूज करने की जरूरत क्या थी, जरूरत इसलिए थी कि इसके अंदर छुपे हुए भेद हैं, सबको पता न लगे कौन 24 की, 10-12 तो छोड़ दो, 24 की तो बात ही बहुत बड़ी है, कौन जाने इतनी जबान हो। इसलिए दिन भर उस्ताद के बगैर ज्ञान समझ नहीं आएंगे। और ये जबान जो है 900 बरस पुरानी ज्ञानों की जबान पीर सदगुर नूर के जमाने से चली आती है। मैंने अभी आपको ये कहा कि पीरों ने पहले मौजज़े किए, लोगों को अपनी तरफ खींचा, उनको इस्माइली मजहब बताया, और फिर इल्म देने के लिए, खासतौर पर रूहानी इल्म देने के लिए उन्होंने ज्ञान बनाए। ज्ञान ऑर्डिनरी चीज नहीं है। अब यहां फिर सदगुरु नूर कहते हैं गत सरोवर में छह लगा, यानी आओ इधर स्विमिंग करने के लिए सरोवर में, मोती अमूलख लादा। ये जो जबान है ना, लैंग्वेज है, बड़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, अलग अलग चीजों से ज्ञान अपनी लैंग्वेज को ज्ञान के अंदर लगाया हुआ है। पंजाबी है, संस्कृत है, प्राकृत है, गुजराती है, मराठी है, देवनागरी है, फारसी है, उर्दू है, अरबी है, मारवाड़ी है, मराठी है, ये सारी किताबें बंगाली है, बांग्लादेश की जबान भी है। इन जबानों को मिक्स करके हमारे पीरों ने ज्ञान बनाए। अभी देखो एक ज्ञान है पिशमस माइवाम का, पिशमस को 850-900 साल हुए। गुर दीवा गुर चांद रोना, श्रीमद पिशमत कहते हैं गुर दीवा गुर चांद रोना, सच्चा दीपक दरिया, सच्चा गुरु दीपक दरिया, गुर दीवा गुर चांद रोना, सच्चा गुर दीपक दरिया, गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रहन भंडार, अज्ञाना सारे तेरा पंथ घना, वीरा मरा धर्मी तरे जीवड़ना डरे शाजी। पंजाबी है लेकिन कई जबानें इसमें मिक्स है। गुरु दीवा, दीवा उसको कहते हैं कोने में ऐसी थोड़ी लकड़ी लगा के उसके ऊपर जो दीवा रखते थे रूम को इल्यूमिनाइज करने के लिए, दीपक हाथ में उठा के जो ले जावे उसको दीपक कहते हैं, रूम के अंदर रोशनी करे वो दीवा है, और बाहर जाने के लिए साथ ले जाते हैं उसको दीपक कहते हैं। गुरु जो है
वो रूम को रोशन करता है। रूम का मतलब सच, और दीपक भी है कि तुम जिंदगी के रास्ते पे चलो तो तुम्हें रोशनी देता है। गुरुदीवा, गुरु चांद्रणा, जिस तरह से चंद्र की रोशनी होती है अंधेरे में चीजों को नजर जाती है, इस तरह जिंदगी के अंधेरे में वो चांद की तरह तुम्हें रोशनी देता है। सच्चा गुरु दीपक और दरिया की तरह है, दरिया में डुबकी मारो तो मैल उतर जावे, गुरु मैल को साफ करता है। गुणा बिना ताला मर्दों न खुले। आए लोगों, छुपे हुए खजाने के जो दरवाजे पे लगे हुए ताले हैं वो गुरु चाबी है, उसके बगैर ताला नहीं खुलेगा। यहां ताला का मतलब क्या है? वो प्रॉब्लम्स, वो कोयले, वो मसाइल के जो हल नहीं होते, समझ नहीं आते, गुरु खोलता है। गुरु खोलता है। आदमी के ऊपर मुसीबतें आती हैं, कोई ऐसा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ कि जिसको प्रॉब्लम्स नहीं आई। मैं तो अपनी वादों में कहा करता हूं कि 99% जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, 1% सुख और शांति का है, उसको स्ट्रेच करके 99 प्रॉब्लम उसके नीचे कवर कर डाल, और वो दीन है। गुरा बिना ताड़ा मर्दो ना खुले। तोड़े, तोड़े कहते हैं थैलियां रुपए शरफियों से भरी हुई जो थैली होती है, हर एक थैली में 1000 मोहर होती है सोने की। ये तोड़े अंदर भरे हुए पड़े हैं, ताला जब तक नहीं खुले वो तोड़ों से तुम फायदा नहीं उठा सकते। ये तोड़े क्या है? तुम्हारी नेकियां, तुम्हारे आवाज की अच्छी साइज। अज्ञान सारे, अभी भी तू समझता नहीं है, तेरा पंख घना, तेरी रास्ता बहुत लंबा है। अज्ञान सारे, अभी भी समझता नहीं, तेरा पंख घना। गिरा मरा धर्मी न जाए, जो धर्मी जो है ना वो नहीं डरता, और जो जीवड़ा है वो गुनाह करते हैं तो खुदा से नहीं डरते। जीवड़ा न डरे शाजी है मौला, ये लोग नहीं डरते कि तू अमाल के जब ही सजा देगा, पनिश करेगा, तभी ये पुकार करेंगे, अभी ये नहीं समझते। खुदा कहता है कि ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं है कि जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं। मैं किसी पर दुख नहीं देता, तुम्हारे अमल है, तुम्हारा अमल है जो तुम्हें दुखी करता है। हर दुख हमें मालूम नहीं होता कभी कभी कि किस वजह से यह दुख मुझे आया, लेकिन उसका चौपड़ा कभी खराब नहीं होता। इसीलिए खुदा ने कहा है कि मैंने हर आदमी के साथ 2 अकाउंटेंट रखे हैं, परामन और कातिबीन 2 फरिश्ते हर आदमी के साथ। जैसे ही बच्चा मां के पेट में स्टेबल होता है, ये 2 फरिश्ते मां के रूम में चले जाते हैं उसके साथ। उस बच्चे को जब थोड़ी सी समझ आती, सबसे पहले मां के पेट में बच्चा का सिर बनता है, ब्रेन बनता है। ब्रेन बनने के बाद बदन के दूसरे लिम्स बनते हैं, हाथ पांव बनते हैं। सबसे पहले ब्रेन बनता है, और इस ब्रेन के अंदर जीव तो पहले से होता है, क्योंकि जो बाप का स्पर्म है उसमें लाइफ है। मगर 16 वीक जब भी होते हैं तो पिछड़ दिन कहते हैं, उसमें आत्मा और रूह का आना होता है। देखो 600 वर्ष पहले पिछड़ दिन ने हमको ये कहा, आज साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इंटेलिजेंस उसको 4 महीने के बाद मिलती है। 16 वीक कहीं बन 4 बीच को 4 महीने होते हैं, जब भी उसमें रूह, जीव तो है ही पहले से, लेकिन जब ये रूह दाखिल होती है तो उसके आमाल साथ आते हैं। पुरानी लाइफ का सारा रिकॉर्ड डेटाबेस उसमें जमा किया जाता है। सिर्फ लास्ट लाइफ का ही नहीं,
आदमी की ये सेकेंड थर्ड लाइफ नहीं है। फिर कहते हैं कि 84 लाख 84 लाख 8.4 मिलियन स्पीशीज और लाइफ में से तुम पैदा हुए हो। 84 लाख अवतार हमने निकले। हम किसी जमाने के अंदर हरण थे, किसी जमाने में घोड़ा थे, किसी जमाने में हाथी में से निकले, सांप में से निकले, सी में से निकले, मच्छी में से निकले। ये तमाम जितने भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, इन तमाम फॉर्म्स में से हमारा जीव नीचे उतरता चला 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 आया है और आज हम इंसान के रूप में है। यह भी पॉसिबल नहीं है कि शायद ये पहला ही रूप है, क्योंकि हमको फिर कहते हैं 8 इंसानी अवतार मिले हैं। 8 गिनान पढ़ो तो आपको हैरानी होए कि क्या क्या चीजें हमारे पीरों ने हमें बताई हैं। 8 अवतार मिलते हैं, और वो भी कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कहां मिलते हैं, किस लेवल के मिलते हैं, गिनानों में उसका जिक्र है। मैं आज गिनानों की टीचिंग नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमारे पास क्या खजाना है। हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, नाल हैं, उसके अंदर सफायर हैं, उसके अंदर रूबीज हैं, उसके अंदर पर्ल्स हैं, उसके अंदर गोल्ड है। ये तमाम खजाने जिसको फिर सतगुरु नूर कहते हैं कि मोती अमूलख नादा। अब ये जो मोती इस झील के अंदर ये गत है, ये सरोवर है, इसमें मोती आपने जमा करने में मोती देखे आए कभी नजर? पीर कहते हैं मोती है, कभी ढूंढो तो सही। किसी दिन पीर के गिनान को याद करके पीर ने कहा कि गत में मोती है, ये तो कौन से मोती कहाँ है? उधर खड़े होके कहते हो हरे जिंदा। तो पीर कहते हैं जब तुम कहते हो ना हरे जिंदा, तो तुमने एक हाथी मौला को मेहमानी दी, इतना तुम्हें सवाब मिला। कितना कीमती मोती मिला। किसी ने कहा कायम पाया, तो फिर कहते हैं उसने घोड़ा दान किया, इतना सवाब मिला। ये सिर्फ पीर की बात ही नहीं है, अगर रसूल की हदीसों पढ़ो तो नबी करीम कहते हैं कि जो आदमी गत के अंदर आके और सबसे पहले वो पुकार करता है खुदा के नाम की, जैसे हम कहते हैं हाय जिंदा, तो मोहम्मद मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसने एक ऊंट दान किया, इतना उसको सवाब है। अभी अरबस्तान में हाथी नहीं थे और इंडिया में ऊंट नहीं थे, इसलिए पीरों ने इधर हाथी का नाम दिया, उधर ऊंट का नाम दिया, किधर घोड़े का नाम दिया और रवि ने उसे गाय का नाम दिया। बताने की बातें ये थी कि हम आपको जमात खाने में आने से क्या मिलता है जिंदा। वो जिंदा है कौन? जिसके पास आए हो इस जमात खाने के अंदर, वो खुदावंद आलमीन का जो नूर है, जिस नूर ने सारी सृष्टि पैदा की, वो इधर जिंदा है, क्योंकि उसको मौत नहीं, वो एटर्नल है, कायम पाया। हाँ, यहां मौजूद है इस जमात खाने के अंदर, ये मोती है। आए मुखिया कंवरिया, मुखिया ने कंवरिया के पास जो कुछ भी तौफीक हुई तो बाबा लोगों ने कहा गत मुझे शादी बचे, जवाब मिलता है नियत मुराद खाना बता, जैसी तेरी नियत ऐसी तुझे मुराद मिले। खाना आवाज तेरा घर आवाद रहे। बैठ के हम तस्वीर निकालते हैं, गिनान सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, दुआएं लेते हैं, ये सब मोती है, कीमती मोती है। चमत खाने के एटमोसफियर के अंदर हाजिर इमाम आके जिस तरह जाहिर खाने रहता है, वो इधर हर वक्त नूर की हालत में मौजूद है। इसलिए जिंदानों, मेरी वाजों में बहुत दफा सुना भी होगा कि जमात खाने के अंदर कभी लंबे पांव करके न बैठो, जमात खाने का बहुत अजब करो। आज मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं अपनी वाजों में कह चुका हूं और आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि अगर इमाम की घरवाली को बच्चा नहीं होता
तो वो जमात खाने में अपनी पछाड़ी से साफ करके वो पछाड़ी पहनती है तो उसको बच्चा होता है, इमाम की घरवाली को। और वो घरवाली जब बच्चा पैदा करती है तो उस बच्चे का नाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह है। अली शाह बाबा की घरवाली सुल्तान मोहम्मद शाह की मां बच्चा नहीं होता। और उसकी जो एक सेक्रेटरी थी वो खोची बाई थी। एक दिन कहती है तुम जमात खाने के अंदर क्या करते हो, तो जमात खाने की रिपोर्ट लेती है। इस नशीबी थी, शहनशाह काचार की बेटी थी, मत सलामत सरवर जहान। तो उससे बातें सुन सुन के कि जब भी मौला जाते हैं, मेहमानियां देते हैं, दस्त बोसे चुमाते हैं, दुआसीस देते हैं, खोड़ा भरते हैं, तो खोड़ा क्या है कि जिसको बच्चा नहीं होता ना, तो मौला उसको एक फ्रूट देते हैं, दुआ देते हैं, उस औरत को बच्चा होता है। सोच में पड़ी। एक दिन कहती है मुझे ये तू खोजी ड्रेस में ना, ऐसा मुझे बना दिया। एक दिन हसन अली शाह माँ बाप कानी मौले करीमाबाद जमात खाने में अली शाह को लेके आए, खोजी ड्रेस पहन, उसको बोला चल जमात खाने चले। हैरान हो गई, आप जमात खाने जाएंगे? हाँ। कौन से जमात खाने? इमाम गया ना उधर। घोड़ा गाड़ी, बादशाह घोड़ा गाड़ी है, बैठे आए इधर कानी मोहल्ले में। दोनों खोजी लगती थी, लेकिन वो शाही खानदान की ईरानी है, उसकी शक्ल वगैरह भी ऐसे ही नूर से भरी हुई, लंबा पच घूंघट निकाला ताकि कोई देखे नहीं कि कौन है। ऊपर गए, उस दिन खोड़ा भरने की वादा था, लाइन में ये भी गैस गए। हसन अली शाह अली शाह बाबा बैठे हैं, शोहर बैठा है, सौरा बैठा है खुसर। ये कहती है कमरे हाजी को, मेरी सेठानी है, इसको बच्चा नहीं होता। हसन अली शाह बाबा ने सेब उठाया, एप्पल, उसने बताया था ऐसा पछेड़ी का छोड़ा ऐसा किया, मौला ने उसमें सेब डाला, हाथ रखा, दुआ दी, बहुत खुश हुई। जब इधर से चली नहीं, उसको बोलते हैं देखो अपनी सेठानी को बोलो रोज जमात खाने जाओ और अपनी पछेड़ी से जमात खाना साफ करो। दुआ शीश लेके चले थे। अब हसन अली शाह बाबा ये भाइयां जा रही हैं भाइयों में, तो पीछे से उसको देखते रहे। जब ये आंखों से गुल हो गए तो कमरे आजी को पूछा ये भाई कौन थी? सरकार मुझे क्या पता, तपास करो कौन थी। गया भाइयों में, मुखिया ने कमरिया ने इधर उधर पूछा ये भाई को जानते थे? कोई नहीं। वॉलंटियर को पूछा? कोई नहीं। अभी क्या हुआ कि वो नीचे उतर गई, तो हाजी का मड़िया भी नीचे उतरे भाइयों की साइड से, तो देखा तो घोड़ा गाड़ी में बैठ के चली गई। ऊपर आके कहा सरकार मालूम नहीं कौन, मगर नीचे घोड़ा गाड़ी में बैठ के चले गई। कमड़िया हाजी तपास करो के वो कौन थी। कमड़िया हाजी नीचे उतरे, बोला कि गाड़ी खड़ी थी घोड़ा गाड़ी, उसमें बैठे, उस गाड़ी का पीछा करो। एक्चुअली वो गाड़ी किराए की गाड़ी थी और ये शाही गाड़ी थी, घोड़ा बड़ा ताकतवर। उसके पीछे 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 गया तो क्या हुआ, गाड़ी के जमाल खाने के पीछे से अंदर जहां महल थे मौला रहते थे वहां चले गए। वो मोमना था घोड़ा गाड़ी वाला, उसको पूछा कमड़िया ने आप भाइयों ने तू ले आ गया यहां सब कौन आती माता सलामत शुभ कह सरकार माता सलामत कामड़ी हाजी में माता सलामत इस नाशरी माता सलामत को क्या पड़ी कि जमात खाने में आवे। अब वापस आया मौला अली हसन अली शाह को, फर्ज किया खुदावन तेरे
پہلے کو تو سب معلوم ہے کون تھی، ہم پوچھتے ہیں تمہارے سے، سرکار ماتا سلامت تھی، اس وقت نام ماتا سلامت نہیں پڑھا تھا، سر جوان تھی بیگم، ماں باپ فرمایا اس نے شادی کے وقت اس نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ میں نے دی تھی، تو وہ انگوٹھی دیکھ کے مجھے ایسا ہوا یہ میری بہو ہے، تو میں بھیجا دیکھنے کے لیے۔ ماتا سلامت واڑی کے جماعت خانے میں گھٹنوں پہ بیٹھ کے پچھڑی سے جماعت خانہ صاف کرے، 10 مہینے کے بعد سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے۔ جماعت خانہ یہ درجہ ہے، اماموں کی پیروں کی گھر والیوں کو بچہ چاہیے تو جماعت خانے سے ملتا ہے، آپ کو کیا چاہیے، پیسے چاہیے ادھر ملیں گے، تندرستی چاہیے ادھر ملے گی، بچہ چاہیے ادھر ملے گا، عزت چاہیے ادھر ملے گی، کیا چاہیے آپ کو بولو، اس گھر میں سب کچھ ملے گا۔ نمر بن کے، خاکسار بن کے، ہمبل بن کے اس گھر کی عزت کرو اور اس گھر سے دعا مانگو، صبح شام اس نور کے گھر میں آیا کرو۔ گت سروور مانچی رہتا موتی امول لکھ لاتا، اب ان موتیوں کو سنبھال کے رکھو، یہاں سنبھال کے رکھنے کا مطلب یہ ہے ایک دن دعا پڑی دوسرے دن نہیں پڑی، ایک دن کرنا نہیں آئے دو دن نہیں آئے، کیا تھا کام بہت تھا اس لیے میں جماعت خانے نہیں آ سکا، اچھا بزنس بہت تھا اس لیے جماعت خانے نہیں آ سکا۔ جماعت خانہ جو جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ جماعت خانہ کیا چیز ہے، یہ ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن ہے، یہ ہماری زندگی کی فاؤنڈیشن ہے، یہ ہماری عاقبت کی فاؤنڈیشن ہے، یہ ہماری موت کے بعد سند کی فاؤنڈیشن ہے، جماعت خانہ ہے، یہ جو گت ہے یہ گت نور سے بھری ہوئی ہے۔ نبی کہتے ہیں خدا گت کے اندر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس طرح فرمایا ان اللہ مع الجماعت، اللہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اے مومنوں اپنے مذہب کو سمجھو، روز جماعت خانے آ کے ادھر دعا مانگو۔ گنانوں کی بات کر رہا تھا، کمڑیا حاجی جو تھے حسن علی شاہ، علی شاہ، سلطان محمد شاہ، تین اماموں کی اس نے خدمت کی، 1916 میں 96 سال کی عمر میں گزر گئے، حاجی کامڑیا حسن علی مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس کا ایک جوان لڑکا 21-22 برس کا گزر گیا، ماں کو بہت رنج ہوا، اور سلطان محمد شاہ اس کو بڑا پیار کرتے تھے، حاجی کامڑیا بہت عابد تھے، رات دن روتی رہتی تھی، اور بولا جب بھی خدمت میں جاؤ تو پوچھے زن کمڑیا کیسی ہے، کمڑیا تیری عورت کیسی ہے، خدا بن سارا دن روتی رہتی ہے، اس کو بولو انت اکھاڑا پڑھے، انت اکھاڑا پڑھنے سے دل کو ستیارا ملے گا، انت اکھاڑا پڑھنے سے غم دور ہو جائے گا، انت اکھاڑا پڑھنے سے انسان کو طاقت ملے گی، انت اکھاڑا پڑھنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، انت اکھاڑا پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، انت اکھاڑا پڑھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ 500 پاٹھ ہیں، 12-14 پاٹھ ہر روز پڑھنے سے 40 دن میں اس کو پورا کرنا چاہیے، ہر روز تسبیح نکالو پیر شاہ کی، انت اکھاڑا 14-15 پاٹھ جتنے پڑھو بعد میں تسبیح نکالو، اور جو اگر مراد ہے کوئی تو سجدہ کرو، اس سجدے میں مراد مانگو، میں نے ابھی کہا کیا چاہیے، جو چاہیے وہ ملتا ہے، 500 پاٹھ ہے، 500 پاٹھ پورے کرو، اور کوشش کرو کہ اس میں کیا کیا کرپی رسم کبیر جی نے کہا ہے، لیکن میں آپ کو سوری نکشل میں کہوں کہ 500 پاٹھ میں عاجزی کی ہے، پھر حسن
कबीर जी ने आगम की बातें भी की हैं, आने वाली बहुत सी बातें की हैं। जब जैत कलिंगा से लड़ेगा, किस इमाम के साथ लड़ेगा और उस इमाम का नाम क्या होगा, ऐसी सब चीजें, कहां उसका ताकत होगा, राज करेगा, सब उसमें बहुत बहुत तफसील है। लेकिन मेन आइटम क्या है, हाथ जोड़ी ने अरज कर छुए, जैसे कि इमाम बेगम ने कहा, या मौला आशा जी हमें कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, तमें छ विनती से आजजी से भरा हुआ है आनंद खाना, और इस तरीके से बोला है कि आदमी के दिल में उतर जाए, आदमी रो पड़े। अनंत अखाड़े की विनती बहुत बड़ी चीज है। ऐसे तो गिनानों के अंदर नूर ही नूर है, नूर से भरे हुए हैं, गत सरोवर है, बेहिसाब मोती है, बेहिसाब कीमत है इन मोतियों की। इस तरह से हमारा दीन छुपा रहा, अपने दीन को हम छुपा के इसलिए रखते रहे कि गैर लोगों को हमारा मजहब आसानी से समझ नहीं आएगा। 600 बरस हुए खोजों को, आज तक 600 बरस में भी खोजे अपने मजहब को समझ नहीं सके अच्छी तरह से। कोई कोई मोती निकलता है काला रूड़ा जैसा, कोई कोई ऐसे निकलते हैं कि जिनके दिलों के अंदर गिनानों का नूर चमकता है, है? वो जमाना, अपने बचपन का जमाना याद करता हूं, आज से 85 साल पहले सुबह परोड़िए घर के लोग उठ बैठे, जमा खाने जावे, जमा खाने से घर वापस आवे, और रात का जमाया हुआ दही मटकी में डाल के कोई भी घर की औरत, माँ के, नानी के बाप, कोई भी उसकी वो छाछ बनावे, मक्खन निकाले, उसको बिलो रहे हैं, गिनान बोल रहे हैं। घर में घंटी है, उसमें आटा बना रहे हैं, गिनान बोल रहे हैं। चपाती बना रही है, गिनान बोल रही है। तवे पे चपाती डाली, गिनान बोल रही है। खाना पका रही है, गिनान बोल रही है। घरों में गिनानों की आवाज गूंजती है, छोटी उम्र से बच्चे सुनते हैं, याद करते हैं। आज हम टेप रिकॉर्डर में म्यूजिक सुनते हैं, गिनान सुनते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह तो गिनानों में ही बड़े हुए। घर की औरतें गिनान बोलते रही हैं, बैठ के सीने का कपड़ा लिया है, कुछ काग रही हैं, गिनान बोल रही है। कहां है वो समझना? लेकिन आज भी ऐसे बहुत से रस्ते हैं कि हम अपने गिनान सुने, खुद सीखे नहीं। तो चलो गाड़ियां चलाते चलाते मैंने सुना है कि आप लोग वाजे सुनते हो, गिनान भी सुनो, गिनान पढ़ो, गिनान बोलो नित नूरे बलिया। गिनान माहे तो साहिब छे, मौलाना सुल्तान शाह फरमाते हैं कि गिनान जो है वो कुरान शरीफ है। ऐ मोमिनो, अपने मजहब से फायदा उठाओ, दुनिया भी मिलेगी, दीन भी मिलेगा। इमाम देने वाला है, बड़ा सखी है, और इस मजहब की बहुत बड़ी कीमत है। ये कहते हैं कि सिर आले थी आवे हाथ, तो ये सोंगा ध्यान जोड़े लो। सिर देने से अगर मौला हाथ आता तो सस्ता है, ले लो। आज के जमाने में इतनी तकलीफें नहीं जितनी आज से 100 बरस पहले थी। सुबह आओ जमा खाने, शाम आओ। अगर कोई मजबूरी की वजह से, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, शाम की क्लासेस है, नहीं आ सकते, मौला ने इजाजत दी है, ओके। अगर किसी की जॉब ऐसी है कि शाम ही को जॉब मिलती है, ओके, नहीं आ सकते ना से, लेकिन सुबह तो आओ। दो वक्त नहीं बन सकता, एक वक्त तो आओ। 24 घंटे में कम से कम एक दफा जमात खाने आना चाहिए, बने तो दो दफा आओ।
आना चाहिए, हमने वादा किया है, हमने टेक ली है, बैयत की है, प्रॉमिस किया है। मौला कहते हैं कि तुम अपने मजहब को कन्वीनियंस वाला मजहब मत बनाओ, बनना तो आया नहीं तो ना सही, ये कन्विक्शन है। कन्विक्शन का मतलब यह है कि मुझे कोई भी हिसाब से इस पे अमल करना है, मुझे ये करना है। दर असलम में हाजिर इमाम मेहमानियों का काम कर रहे थे, एक आदमी उसकी औरत बच्चे वगैरह आए, इधर ये आके हाथ जोड़े और आंखों में से आंसू आए। माँ बाप नजदीक के आगे कहते हैं, क्या बात है, तुम रोते हो? बोला, मैं इंजन ड्राइवर हूं। अच्छा, शाम को मेरी ड्यूटी होती है, मैं जमात खाने नहीं आ सकता। माँ बाप फरमाया, कोई बात नहीं, गुड्स ट्रेन है क्या, पैसेंजर ट्रेन है? कहते खुदा, गुड्स ट्रेन है, कोई बात नहीं। इंजन चलाते चलाते दुआ पढ़ लिया करो, मौला दुआ कर मैं रोज जमात करने आऊं। मौला ने दुआ दी, एक महीना हुआ उसकी ड्यूटी बदल गई, बहुत खुश हो गया, अब रोज जमात खाने आने लगा। जमात खाने की जिसको मोहब्बत पैदा होती है उसका दिल उजागर हो जाता है, बदी बुराई का पता लगता है, मुश्किलें दफा होती हैं और आती हैं तो उसका कोयला सॉल्व करने का रास्ता भी निकलता है। मौला प्रेरणा देता है, अक्ल देता है, समझ देता है, मदद करता है, मौजज़े करता है। और ऐसे बहुत से हमारे मोमन भाई बहन हैं कि जिनकी जिंदगी के अंदर बहुत दफा मौजज़े मिले, किसी एक्सीडेंट में मरते मरते बच गए, गाड़ी देखो तो पता लगे कोई बच नहीं सकता लेकिन उसमें जिंदा बचाए, ऐसे तो कितनी चीजें हैं। कोई दुश्मन आ गया उसके पंजे से बचा लिया, हर दफा हमारे साथ है। इस मौला से फायदा उठा, मौला आपको सुखी और आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ दे, दसवंदी सुख रीति बनावे, इल्म का शौक दे, इबादत का शौक दे, आफतें बनाए दूर करे, तंदुरुस्ती दे, मोहब्बत इत्तेफाक दे, आपकी रोजी रोजगार में बरकत दे, बदियों बुराइयों से बचावे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपके कुटुंब कबीले में इस सलाह से मोहब्बत दे, जमातों के अंदर मोहब्बत और इत्तेफाक दे, नूर की बख्शिश दे।